और ये हमारे कुछ लेजेंड्स, ये सारे वो पिस्टल जो उस समय यूज किए जाते थे। भारत माता की जय। ये उस समय के न्यूज़पेपर है, देखिए किस टाइप के हैं। सो गाइस यहाँ पे हम लोग बहुत फोटो फाटो ले रहे थे बहुत। हेलो गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल द गेनर, आपका स्वागत करता है बिल्कुल नए व्लॉग पे। तो गाइस हम आज बहुत ही मज़ेदार वीडियो लाने वाले हैं। हम आए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे आए हम, आप समझ ही गए होंगे मैं कहाँ आया हूँ। मैं आया हूँ विक्टोरिया अभी। तो अभी मेरे साथ कौन कौन है, मेरे साथ वहाँ पे है देखिए, वहाँ पे तीन चार लौंडे मेरे साथ, राहुल है, गिल बाबू है, अमन है। तो हम विक्टोरिया घूमेंगे अंदर में, आपको दिखाएंगे हर एक चीज़। तो वीडियो बने रहिए, वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो, और देखते रहिए द गिनर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आगे। गाइस हमने टिकट कटा लिया है, ये जो टिकट कटाने वाला इंसान, हम एंट्री करने वाले अभी अंदर में। होने लगा है नहीं पता नहीं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी जाएंगे एंट्री करवाएंगे, उसके बाद अंदर चलेंगे सिक्योरिटी चेक। अच्छा तो फाइनली हम आ चुके हैं विक्टोरिया के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखा इसको बोलता है पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़, यहाँ पढ़ने का जगह फाड़ के दिया है यहाँ। कोई बात नहीं रहने दे, वो लोग गलती कर सकता है। तो पता है विक्टोरिया कौन बनाया था, किसी को पता है? हाँ तो विक्टोरिया क्वीन है, डीजी का हस्बैंड। हाँ मैं उसका याद है, इसको कौन सा क्यों याद रखेगा मैं, इसका नाम था लॉर्ड जनरल कर्जन भाई, ये हमारे ग्रुप का क्या बोलेंगे उसकी जनरल नॉलेज है। गाइस बहुत ही खतरनाक सीन चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही खतरनाक सीन चल रहा है यहाँ पर इस जगह। और इस जगह पे हर एक टूरिस्ट होते हैं ना, सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने फिरने विजिट करने के लिए, क्योंकि ये कोलकाता का मोस्ट पॉपुलर जगह में से एक है। गांधी जी इसी को मार के भगाया था, दिखा दीजिए लॉर्ड कर्जन को। रास्ता है देखिए आप, वहाँ से वहाँ तक का रास्ता है। मैं अभी यहीं पे बीच में हूँ, यहाँ पे पेड़ की कटाई चल रही है इस गार्डन को। अभी सब जनरल नॉलेज वाले बन चुके हैं, सब अभी ज्ञान दे रहे, अपना अपना सब अपना अपना ज्ञान प्रस्तावित कर रहे हैं। वो हेमोफिलिया बोल के एक बीमारी था देखिए, ठीक है। इससे क्या होता है भाई, इससे ये होता है अगर तेरा शरीर में अगर कहीं कटा ना तो खून बहते जाएगा, जमेगा नहीं, उसका खून जमता नहीं था। डोरेमोन होता तो हमारे ग्रुप में सब एक से भाई बनना स्टार्ट हुआ था। व्यू चेक कीजिए गाइस, 1905 में या तो किसी रेस्क्यू का सरकार अंदर या तो 1905 में बनना स्टार्ट हुआ और 1921 में लोगों के द्वारा खुल गया कि सब आके देखें। तो म्यूजियम टाइप हो गया ना, स्टोर। बहुत ही सुंदर से बनाया है बहुत। और ये है लॉर्ड कर्जन, राहुल बहुत ही ज्ञान दे राजकुमार को, एक्चुअली उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है इस सब चीज़ का, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बट क्या घर का निकम्मा निकल गया, उसका बात तो जानते ही निकम्मा को क्या हुआ। गाइस हम फ्रंट साइड में आ चुके हैं, अब हम यहाँ से एंट्री मारेंगे अंदर, फिर जाएंगे घूमेंगे, आपको हर एक चीज़ दिखाएंगे, हम भी को देखेंगे। राहुल कौन राहुल होते थे, क्वीन। और ये है क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति, प्रतिमा कहते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम लोग बहुत फोटो फाटो ले रहे थे, बहुत मज़ा आया हमें फोटो फाटो लेके। थैंक यू राहुल का, बहुत अच्छा अच्छा फोटो आया है, बोल थैंक यू, बोल देखने में अच्छा है, तो बहुत ही मज़ा आया। और ये फ्रंट साइड हम चलेंगे अंदर की तरफ में, जीत जाना था हम लोग।
दोस्तों यहाँ पे बहुत देर वीडियो वीडियो बनाने के बाद हम अंदर की तरफ जाएंगे। अब और कुछ ज्ञान बाकी है राहुल? और कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। देख गोरापन सब चीज नहीं होता है, हैंडसम भी होना चाहिए। जैसे राहुल, जैसे कि अमन, हम तो गोरा भी है, हैंडसम। और हम आ चुके हैं विक्टोरिया के अंदर, जाने वाले हैं। नहीं आया तेरा मुंह तो? फाइनली हम आ चुके हैं विक्टोरिया के अंदर। और यहाँ पे और ये वो फोटोज हैं जब विक्टोरिया तैयार हो रही थी। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। ये अंदर का स्ट्रक्चर जब रेडी हो रहा था। एक किस तरह से ये विक्टोरिया मेमोरियल को बनाया गया है, यहाँ पे सारा फोटोज एक निशानी के तौर पे रखा हुआ है। दोस्त लोग आगे चल गए हैं, मुझे भी आगे जाना चाहिए अभी। यहाँ पे हर एक चीज म्यूजियम के तौर पर रखा गया है। यहाँ पे देखिए जो उस समय के ज़माने में लड़ाई के तौर पर यूज़ की जाती थी, उसे भी म्यूजियम में सजा के रखा गया। जैसे कि आप देख रहे हैं भीड़ बहुत है, ये लौंडे यहाँ पे फोटो फाटो कर रहे हैं। हम अभी दूसरी तरफ जाएंगे, अभी अंदर एंट्री करने हैं। अरे वो साइड है जहाँ से हम एंट्री किए थे, बट हमें फिर घूम के वहाँ से आना पड़ा यहाँ से उनसे एंट्री करने के लिए। और यहाँ पे देखिए ये कैनन और ये तोप है, इसे सबको उड़ाया जाता था उस समय, लड़ाई के तौर पे यूज़ किया जाता था। अब जाएंगे ऊपर की तरफ। बहुत ही भूत किया सब लग रहा है। ये सीढ़ी है, बहुत अंधेरा इस तरफ। और ये है सेकंड फ्लोर। हम लौंडे थक गए हैं, हम दूसरी तरफ जाएंगे अभी। नीचे देख गद्दा एसी वाला म्यूजियम। यहाँ पे देखिए
पिछले जो उस समय यह राइफल और यह रिवॉल्वर, चार तरह के रिवॉल्वर है यहाँ पे। ये दिल्ली बम केस जो हुआ था 1912 में, ये उस समय के न्यूज़पेपर है, देखिए किस टाइप के हैं। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्टर, ओ माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। यस, और यहाँ पे फोटोज रखे हैं। वंदे मातरम, कैसे गए राहुल यहाँ पे? मस्त काटा काटी कर रहा है। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर खेल रहे भाई, शायद कभी जिंदगी में पहली बार चला है स्क्रीन टच। कुछ करना नहीं है इसको, ये बस घाटे जा रहे बिना मतलब। यहाँ भी शांति नहीं है, यहाँ भी मस्ती चल रही है। पा खाऊंगा अभी, बहुत गर्मी लग रही है, मैं पूरा भीग चुका हूँ अंदर से। हाथ माता की जय 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 श्री राम, जय श्री राम। हमारे कुछ दिक्कत, यहाँ पे गपशप कर रहे हैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा। हम सिंगल्स हैं इसलिए, सॉरी अमन को छोड़ के हम सिंगल्स हैं यहाँ पे, तीन जन। ये भी सिंगल हो चुका रिसेंट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इतने बोल रहा तो ये वाला अप्रोच करना बहुत जरूरी है। भाई का अलग ही क्रेज है भाई, और हम निकल गए हैं अभी। और ये बैड लक हमारे लिए, बारिश शुरू हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो फिर भी तो हम यहाँ पे, अभी हमारा वीडियो हो चुका कंप्लीट, हम घूम लिए अंदर में, हम बाहर जा रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी हो रहा है। ऐ साला, ये देखिए स्लिप, मैं अभी गिरते गिरते बचा, मतलब गिर जाता अगर चढ़ता तो। सो गाइस, हमारा वीडियो यहाँ पे होता है ख़त्म। तो हम लॉन्डेस अब रेडी है घर जाने के लिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब। एक बार और घूम लेता है, एक बार और घूम लेंगे, एक बार और। तो बात बाद में, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और देखते रहिएगा द गेनर। हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहेंगे, तब तक के लिए।